दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गूगल पे का एक नया फ्रेश अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसे कंप्लीट कैसे यूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ साइनअप बोनस मिल जाएगा और मेरे को भी यहाँ कुछ कैशबैक मिल जाएगा। तो जैसे डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलकम टू गूगल पे लिख कर आ रहा है। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो आपके बैंक से लिंक होना चाहिए और साथ में उस मोबाइल नंबर पे आपका रिचार्ज एक्टिव प्लान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैं मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको उस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जीमेल सेलेक्ट करने को बोला जाता है। आप यहाँ पे यदि ये जो जीमेल शो हो रही थी उससे जीमेल से यदि साइन अप करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एक एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप दूसरी जीमेल यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जीमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उसी जीमेल से यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूं, तो वो वाला जीमेल यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा मोबाइल नंबर। थोड़ी यहाँ पे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं थोड़ी यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। जैसे वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने को आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ स्टार्ट विथ योर बैंक का एक ऑप्शन होगा, सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली। आपको एक्टिव या एड बैंक का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करना हो, तो मैं यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ कर देता हूँ। अगेन आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, जो बैंक से लिंक है, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सिम वन में लगी है या सिम टू में। यदि आपके फोन में सिम में एक लगी है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आपके फोन में दो सिम लगी है तो आपसे पूछा जाएगा। मेरी सेकंड सिम है तो मैं सेकंड वाले सिम पे आपको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशंस फिर मांगी जाएगी, तो आप इन परमिशंस को अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं एक्टिवेटिंग बैंक अकाउंट। मेरा यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिक यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे रिसीव मनी फ्रॉम यूपीआई ऐप, यहाँ से आप मनी को रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आपको करने का नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने जो यूपीआई आईडी बनाई थी, यानी आपने जो जीमेल यूज किया था, उसी के आगे आपको ओके एसबीआई करके आपका यूपीआई आईडी बन चुकी है और आपका बैंक लिंक हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं बैंक यहाँ से लिंक होने के बाद आपको बैलेंस कैसे चेक करना है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे एक चेक बैलेंस का एक ऑप्शन होगा, इस पर जैसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यूपीआई पिन मांगा जाए, जो आपने यूपीआई पिन बनाई है वो यूपीआई पिन डाल देंगे तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है सो हो जाएगा। यदि आप किसी भी बंदे को यहाँ पैसे भेजना है तो यहाँ सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है तो आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी क्यूआर पे सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ स्कैन एंड क्यूआर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कोई परमिशन मांगे जाके आप परमिशन को अलाउ कर देंगे। अगेन अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने ये कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो क्यूआर स्कैनर है वहाँ पे स्कैन करके आप डायरेक्टली फिर से भेज सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल टेक्निकल राजेश को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं।